हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सुबुल्स चैनल। और आज वो लाइन नहीं आएगी, नया दिन नई शुरुआत, क्योंकि ये एक प्रॉपर व्लॉग नहीं है, ये एक हेल्दी डिस्कशन है जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ करते हैं रिगार्डिंग माय लास्ट व्लॉग जो हमारा मुहर्रम का हमने व्लॉग पोस्ट किया था उससे रिलेटेड। तो और जो मेरा रेगुलर व्लॉग है वो इंशाल्लाह 2-3 दिन या 1-2 दिन में आ जाए। सो और अभी हो रहे हैं सुबह के 3:30, वाइब्स हो गया है, तभी शूट स्टार्ट किया ताकि डिस्टरबेंस ना हो और वी कैन एक्सप्लेन इन अ बेटर वे, क्योंकि अगर वो झगड़ा होता तो फिर वो शूटिंग बीच बीच में आता, हम उसको देखते हैं शूट करते हैं, तो इसलिए हमने अभी मॉर्निंग 3:26 स्टार्ट किया है व्लॉग। दिस इज जस्ट अ हेल्दी डिस्कशन, ऐसा नहीं है, प्लीज डू नॉट, कोई भी ऑफेंड फील ना करे या बुरा ना माने। अब सिमुल ने जैसे बोला कि हमारे पास नेगेटिव कमेंट्स आते हैं एंड वी डोंट केयर अबाउट दोज नेगेटिव कमेंट्स, राइट? जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिलीव मी। वो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के कभी कभी हंसी आती है और मोटिवेशन, क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं और कुछ कमेंट्स हैं जो हर व्लॉग में आते हैं, हर व्लॉग और वो रिपीटेड कमेंट करते हैं। भाई अगर करना है नेगेटिव तो हर व्लॉग में जो नेगेटिविटी दिखती है आपको उस पे करो, तो हम उसको सुधार करने की सोच सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि आप एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करते हो तो हमें वो नेम भी याद हो चुके हैं, इसलिए भी हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब फेक आईडी के बनाए हुए। तो जो आदमी या जो भी है जो कमेंट करे, जिनका खुद का स्टैंड नहीं है कि अपने ओरिजिनल आईडी से वो कमेंट कर सके, सो ऐसे फेक लोगों को क्यों सीरियसली लेना। तो मैं सिंपल वही समझाता हूँ कि उनको इग्नोर करो, और जो ये नेगेटिव कमेंट करते हैं अगर उनको ये लगता है कि हम उसे नहीं जानते या नहीं पहचानते हैं, सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा रिया, सो वो साइबर क्राइम में और हम 2 मिनट में ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से आईपी एड्रेस से कौन कमेंट कर रहा है, बट हमारे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो हम ये सब करें। सो सबसे इजी तरीका ये है कि हम इग्नोर करते हैं, जस्ट इग्नोर देम। अगर कुछ संभाल के रखना है तो जो पॉजिटिव कमेंट और जो अच्छे लोग हैं जो हमेशा मोटिवेट करते हैं हमें, उनको संभाल के रखना है ताकि हम उन्हें लाइफ लॉन्ग लेके चल सकें, और इंशाल्लाह जब तक ये व्लॉग कंटिन्यू है तब तक वो हमारे उस जर्नी में हमारे साथ रहे। वही लोग हैं जो हमारे पॉजिटिव व्यूअर्स हैं, जो हमें अच्छा हमेशा अच्छा कमेंट करते हैं सुबुल को, और इस बार उनका भी कमेंट आया। हमने भी कुछ सर्च किया है क्योंकि हेल्दी डिस्कशन है, क्या सही है क्या गलत है, तो उसी पे हमने भी कुछ सर्च किया है क्योंकि यू पीपल हैव मेंशन कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे को हमेशा फिर अच्छा बुरा के लिए सर्च करना चाहिए, रिसर्च करके उसका आंसर देना चाहिए, ताकि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उस चीज को सही करें, आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उस चीज को सही करें, या आप अगर कुछ किसी से सुन के वो चीज किसी दूसरे को बोल रहे हैं तो आप उस चीज का पहले इन्वेस्टिगेट करें कि वो जो आपने सुना है वो सही है या गलत है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, आजकल क्या है कि हर कोई ज्ञानी है। हाँ, मतलब लाइक अभी मैं भी बैठ के कोई ज्ञान का वीडियो पोस्ट करना शुरू करूं किसी को कॉपी पेस्ट करके, और फिर 10 लोग उसी पे रिक्रिएट करके उस वीडियो को अपने ओन वर्ड्स में बोलेंगे, एंड वो जो बात है वो पता किसी को नहीं है कि वो सही है या गलत है, बट वो अगर एक ने वीडियो बनाया, एक ने वीडियो पोस्ट किया, एक ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नॉलेज काइंड ऑफ, वो पहले आप लोग खुद सर्च करें, रिसर्च करें, एंड देन यू हैव टू पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज आजकल यू राइट एनी कमेंट टू एनीवन, टू एनी यूट्यूबर्स, एनी इन्फ्लुएंसर। और एक चीज और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि इस्लाम बहुत ही इस मामले में सेंसिटिव है और कहा गया है कि जब तक आप किसी चीज का आपको इल्म ना हो या आप उस चीज को खुद से कुरान के तर्जुमे के साथ अगर पढ़े नहीं हो तो आप उस चीज को ना बोले, क्योंकि इसमें पकड़ बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमने जो भी आगे आपको वीडियो दिखाएंगे, जो क्लैरिफाई करेंगे, वो हमारी खुद के नहीं है, हमने एग्जैक्टली, क्योंकि हम अपने आप को अभी उतना आलिम नहीं या कैपेबल नहीं समझते। हमसे हमारी जो टूटी फूटी इबादत होती है कुरान शरीफ पढ़ना या नमाज पढ़ना या रोजे रखना या किसी का दिल ना दुखाना या झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हम अपनी छोटी मोटी इबादत से किसी को कमेंट करके हर्ट करना, ये भी एक गुनाह है जो आजकल के लोग करते हैं। और अगर बेदलाली से वहां पे उनको दिमाग नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। और एक बहुत बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, अगर ये लगता है कि ये गुनाह है, ये शिर्क है, तो व्लॉग बनाना भी एक गुनाह है और व्लॉग देखना भी एक गुनाह है। फोटोज आजकल सोशल मीडिया पे पोस्ट करना या लोगों का, वुमेन्स का मतलब बिना नकाब के घूमना, ये भी एक गुनाह है। सही गलत देखने बैठ जाएंगे तो फिर तो हर चीज गलत है, हर चीज गलत है, एज मोहित सेड। अब हम क्या करते हैं,
जो चीजें हमारे हम हेल्दी व्लॉग बनाते हैं जो आपको एंटरटेनिंग हो, इसमें कोई बेपर्दगी नहीं हो, और अगर आप हमारे पिछले व्लॉग देखेंगे तो हम एजुकेशन के लिए बच्चों को या जो भी है उनको मोटिवेट करते हैं। इस पे भी बहुत है कि आपकी इंग्लिश ऐसी, आप लोग इंग्लिश बोलते हैं, सो सी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एजुकेटेड, और जो हम हमारी जो ऑफिशियल फ्लुएंसी इंग्लिश है अगर हम वैसा बोलना शुरू करेंगे बिलीव मी मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, बट हम सिंपल इंग्लिश इसलिए यूज करते हैं ताकि जो जस्ट इन अ लेमन लैंग्वेज सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। हाँ, बच्चे और सब उनको भी थोड़ा कुछ टर्म्स है जो नहीं आते हैं तो वो समझे उस चीज को। एक मौलाना के डालेंगे तो उसमें भी आ जाएगा कि अच्छा, मतलब उससे भी लोग क्या है कि अगर वो मौलाना है तो वो वहाबी है, वो सुन्नी है, वो शिया है, वो मौलाना से आप हमें जस्टिफाई करना शुरू करेंगे, हमारी आइडेंटिटी निकालना शुरू करेंगे। इसीलिए हमने डिफरेंट जो मौलाना या हमारे आलिम है उनका वीडियो डालेंगे हम एज पर योर क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन के हिसाब से, आप उनको देखें, चाहे तो उनका डिटेल वीडियो भी यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, होगा तो सिंबल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देगी। कुरान का राइट वर्ड विल बी आलिम, उनको देखें और फिर आप खुद से डिसाइड करें कि क्या गलत है क्या सही, और इंशाल्लाह अगर हम गलत हैं तो छोटे हो या बड़े आप कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यही एक एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन में ये नहीं होता कि अगर हम बड़े हैं तो ही हमें आपको हम सही हैं। हाँ सही है, हम बड़े हैं लेकिन अगर हम गलत हैं तो वी आर रॉन्ग, वी आर मेंटालिटी नहीं है हमारे यहाँ। हम स्पेशली मेरे और मोहित के हम बड़े हैं तो जो हमसे छोटा है वो सही हो कैसे सकता है, हमने जो बोला है वो ही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमसे छोटे हैं और वो सही है, उनका कोई पॉइंट सही है, तो ऑब्वियसली वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, वी विल ट्राई टू करेक्ट करेक्ट इट। एक एजुकेटेड पर्सन की या ह्यूमन बीइंग की यही पहचान है। मैंने पॉइंट्स नोट करके रखे हैं जो मतलब लाइक हर 10 कमेंट में 8 कमेंट्स ऐसे ही हैं जो कॉमन कमेंट्स थे, तो मैंने उनको 4 या 5 को पॉइंट्स कर लिया है। फर्स्ट वन इज शिर्क, सेकंड वन इज आप लोग ऐसा क्यों करते हैं मौदाहा वाले, थर्ड वन इज ताजिया, फोर्थ वन इज न्यू क्लोथ्स, बिदत और बिदत I don't know the correct pronunciation of that word, which means innovative. I know the English term of that word. And fifth one is कि जो मैंने last blog post किया था उसमें सहरी के time पे मैंने बोला था कि most of the time ऐसा होता है कि 2:30 बजे हमारा dinner होता है। Doctor होने के बाद भी आप ऐसा routine follow कर रहे हो, आपका dinner 2:30 बजे होता है, ऐसा क्यों? ये कोई कम है, बहुत बड़ा comment नहीं था, it's about खिचड़ा कि उन्होंने बोला था कि आपने जो बनाया है इट्स समथिंग एल्स, ना कि वो खिचना वो खिचड़ा है ना वो खिचड़ी है, वो पता नहीं क्या है, तो वो लास्ट का है। एक चीज ये भी है कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, तो अब आप समझ सकते हो सुमूल कमेंट पढ़ती है, वो खिचड़ा नेगेटिव को रिप्लाई नहीं करती है खिचड़ा नहीं है खिचड़ी है, तो वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, इट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक कि हम उसको बाद में डिस्कस करें। तो वो खिचड़ा खिचड़ी का ये कि जैसे होता क्या है कि एक ही कोई फ्रूट होता है बट अलग अलग स्टेट, सबसे आखिरी क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि वो उतना बड़ा नहीं है मुद्दा, इसलिए मुद्दा तो कुछ नहीं है मतलब वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है टू डिस्कस अबाउट इट, बस एक छोटा सा क्लियर करना है कि हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्लेस में एक ही कोई फ्रूट को या एक ही कोई फूड को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। एक कोई ऐसा बताओ जो हर जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। प्याज ही ले लो ना। हाँ, प्याज हमारे नॉर्थ में प्याज बोलते हैं, यहाँ पे कांदा बोलते हैं। वी हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन इंडिया, सो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। आप जाने कितने स्टेट्स हैं, 50 प्लस स्टेट्स हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं। इट्स नॉट खिचड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स खिचड़ा, चने की दाल का जो बनता है खिचड़ा, इवन कोलकाता बिहार बंगाल साइड उसको खिचड़ा ही बोलते हैं, एंड छत्तीसगढ़ रायपुर में आप लोग जो खिचड़ा बोलते हो वो खिचड़ा नहीं बोलते हैं, वो हलीम या दलीम बोलते हैं, ठीक है, जो सारी दाल को मिक्स करके बनता है दैट इज दलीम या हलीम, एंड दिस इज ओनली सिंपल चना का दाल एंड राइस दैट इज खिचड़ा। ओके, सो इट्स नॉट खिचड़ी, मैंने इतनी मेहनत करके बनाया था, मेरा दिल टूट गया, खिचड़ी बोल दिया मेरे खिचड़ा को। खिचड़ी मूंग दाल की बनती है, जब लूज मोशन आते हैं तब बना के खाते हैं। और जब मेरा ऑपरेशन है तो मैंने बहुत खिचड़ी खाई है मेरे खिचड़ा को खिचड़ी मत बोलना नेक्स्ट टाइम। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सो पहला शिर्क, बहुत लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया कि ये शिर्क है। सो पहले तो ये जैसे कुछ लोगों ने हमने देखा फाइट भी किया, एक्सप्लेन भी किया है। हाँ, मतलब कि शिर्क क्या है हमारे, क्योंकि सब एज आई सेड कि सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग, घर में मैं और मोहित हैं, जरूरी नहीं कि जो मोहित का थॉट प्रोसेस हो सेम मेरा भी हो, बिकॉज वी टू आर डिफरेंट पीपल, तो कहीं कहीं पे मैच करता है, कहीं कहीं पे वी हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, बट इट डजंट मीन वी स्टार्ट फाइटिंग। अगर कोई समझा रहा है तो सामने वाला अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मानने को तैयार नहीं। तो एक ने बहुत अच्छा पूछा कि आप बताओ कि शिर्क होता है क्या, एंड ही और शी एक्सप्लेन भी किया उसने वेरी वेल, बट उसके बाद भी उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सी, शिर्क होता है कि आप खुदा या खुदा की इक्विवेलेंट, ना पाक
या कुरान में जो फरमाया गया उसके इक्विवेलेंट आप किसी चीज को अगर लाते हो सो दैट इज अ शिर्क। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान जितना घटिया से घटिया भी मुसलमान होगा वो ये चीज करेगा कि वो खुदा के बराबर किसी चीज को मानेगा। ला शरीक अल्लाह, अल्लाह ने खुद फरमाया है कि ला शरीक अल्लाह, कोई शरीक नहीं है अल्लाह के सिवा इबादत के लिए। मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्यों लगा, हमने ऐसा क्या शिर्क किया? क्या हम आपको ढोल बजाते हुए दिखाई दिए, या हम आपको ताजिया लेके, अगर आपके अकॉर्डिंग ताजिया निकालना गलत है, कोई भी, ये तो फैजान, ये तो मैं, ये तो और भी हमारे रिलेटिव, आपने पूरे व्लॉग में सच बोलना कि आपने हमें या हमारी फैमिली को किसी को भी ताजिया उठाते हुए, ढोल बजाते हुए, नगाड़ा बजाते हुए, नाचते हुए देखा? नहीं देखा। तो अगर हम कोई चीज शूट कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि हम वो फॉलो कर रहे हैं। तो आपने डायरेक्टली, आप ये कर रहे हो, आपने अगर आप ये लिखते आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो आपको बोला, सो दैट इज, वो हम समझ सकते हैं। आपने डायरेक्ट, आप लोग ऐसा कर रहे हो ये शिर्क है, कोई चीज शूट कर रहे हो उसमें आप एक अपना थॉट प्रोसेस जनरेट करके एक जजमेंटल बन जाओगे, सो हमारे हिसाब से वो गलत है। The Quran says in Surah An'am, chapter number 6, verse number 159, O Prophet, anyone who makes division, who makes sex in the religion of Islam, you have nothing to do with him. Allah will look after their affairs on the day of judgment. And our beloved Prophet Muhammad said that there will be 73 sects in Muslim. Out of that, only one will go to Jannah. The Sahabas asked, which one? Those who follow me and my Sahabas, those who follow Quran, ताजिया उठाना, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ठीक है, नाचते तो मैंने किसी को नहीं देखा, पता नहीं इन्होंने कहाँ देख लिया हो, आई डोंट नो, कहीं पे अलग देखा होगा, मौदाह में तो नाचते हुए हमने भी नहीं देखा है। सेकंड पॉइंट इज अबाउट आप पूरे मौदाह वाले ऐसा क्यों करते हैं, ये तो बहुत ही गलत कमेंट है। अभी अभी जस्ट अभी का कन्वर्सेशन में सुन लिया ना आपने कि एक ही घर पे दो लोग रहते हैं, जरूरी नहीं कि सबका थॉट प्रोसेस मैच करे ऑलवेज। तो जब हम एक घर में दो लोग का थॉट प्रोसेस कभी मैच करता है, कभी नहीं मैच करता है, एक पूरा कस्बा, एक पूरा टाउन है मौदा, पूरे कस्बे को आपने एक दो लोगों की वजह से जस्टिफाई, अगर आपने, चलिए आप, मैं मानता हूँ आपने कहीं किसी को हो सकता है नाचते हुए देखा हो इसलिए आपने कमेंट कर दिया, बट आप एक दो लोगों से मास ऑफ पीपल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप समझ पाए तो प्लीज समझिए। जब भी कहीं टेररिस्ट अटैक होता है तो वहां पे बोलता है कि ये सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, बट वहां पे हम डिफेंड करने चले थे, अरे एक दो लोगों ने किया है, हाँ, पूरे मुसलमान कौम को आप कैसे टेररिस्ट बोल सकते हो? तो आप यहाँ पे एक दो लोगों की वजह से पूरे मौदा को खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि मौदा के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आपने किसको देखा, किस वीडियो में देखा, वी नेवर नो। उसके वजह से आप पूरे, ये कमेंट आपको करने का कोई राइट नहीं है कि आप पूरे मौदा वालों को बोलें कि सारे मौदा में ऐसे होते, सारे मौदा के मुसलमान ऐसे हैं और आप मुसलमानों को नसीहत चाहिए, हिदायत चाहिए। सम ऑफ द टॉपिक ऐसा होता है कि वहाँ पे मैच नहीं करता है, तो आप पूरे घर वालों को उस पे गलत नहीं बोल सकते कि हाँ, अगर पांच लोग कहते हैं कि ये चीज सही है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज, ये चीज सही है, एंड एक पर्सन बोल रहा है कि ये गलत है, मे बी वो चीज गलत है, बट सिर्फ बोलने वाला एक है और उसको गलत बोलने वाले पांच लोग है, तो इट डजंट मीन कि वो पांच लोग सही है। यही साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि साइंस में कोई भी जब नया डिस्कवरी या इन्वेंशन हुआ है तो जो फर्स्ट जिसने भी रेज किया है तो लोगों ने ये बोला, अरे ये तो पागल है, लेटर है ना चिट्ठी है ना कोई तार का कनेक्शन है, वायरलेस है एवरीथिंग, बट वी आर कम्युनिकेटिंग। सो ये जरूरी नहीं कि अगर 10 लोग कोई चीज बोल रहे हैं, एक लोग उस पर स्टैंड कर रहा है तो एक गलत है। इज अ डिफरेंस बिटवीन एडुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन, के आप पहले रिसर्च करें, समझें, फिर किसी भी आंसर या आउटपुट पे पहुंचे। एक ही फैमिली है, उसमें बहुत लोग फातिया मानते हैं, फातिया कराते हैं, नियाज कराते हैं, बहुत लोग नहीं कराते हैं। अब वो उनका थॉट प्रोसेस है, जो नहीं कराते, तो आप गलत नहीं बोल सकते हैं। जो नहीं कराते हैं वो अपने थॉट प्रोसेस से सोचते हैं कि हम सही करते हैं, और हम कराते हैं तो हम अपने थॉट प्रोसेस से सोचते हैं कि हम सही करते हैं। तो सब कोई कहीं ना कहीं अपने थॉट्स के हिसाब से सही है। हर आदमी जो गलत भी करता है, अगर चोर चोरी भी करता है, तो अगर आप उससे पूछेगा तो उसका भी थॉट प्रोसेस होगा कि वो सही है, उसकी मजबूरी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बट सही गलत का फैसला तो एक ही दिन होगा, वो होगा हश्र के मैदान में, कि कौन सही है कौन गलत है वो अल्लाह करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था वो न्यू क्लोथ्स, मौलाना तारिक जमील साहब का, मौलाना तारिक जमील साहब का, आप वो देखिए पहले। आपके आंसू, आपके रुखसार और दाढ़ी पर कुतर कर रहती है, आपने यूं नीचा हुआ, ऐसे दबाया हुआ था। तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा, मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूलल्लाह, क्या हुआ, आप ऐसे तड़प के क्यों रो रहे हैं? तो आपने रोती आवाज में कहा, बहते आंसुओं के साथ, कपकपाते बदन के साथ, कि उम्मे सलमा, ये फरिश्ता जो मुझे मिलने आया था, ये मेरे बच्चे को देख कर कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी।
और जहां उसका खून गिरेगा वो मिट्टी मुझे दिखाई है उसने, कहा मैं इसलिए इस पे रो रहा हूँ। अभी तो वो शहीद नहीं हुए और रोया जा रहा है, तो हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं भाई, हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं और ये क्या तक रोते रहेगी दुनिया क्या मजा। ये अल्लाह का निजाम है, उसने करबला के वाक़े को यूं कर दिया जैसे हर साल आज ही हुआ है, आज ही हुसैन शहीद हो रहे हैं, आज ही अब्दुल्ला का सर कट रहा है, आज ही जैनब की चादर को खड़ा जा रहा है, आज ही लाशों को घसीटा जा रहा है। So, जैसे आपने वीडियो में देखा के हमारा नया साल, उनका एक्सप्लेनेशन काफी है वेल इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये बोल रहे हैं ना कि नए कपड़े पहनना बिद्दत है, गम नहीं मनाना चाहिए क्योंकि शहीद है, गम नहीं मनाना चाहिए। नया साल शुरू होता है मुहर्रम से, और मुहर्रम क्या है, गम का है, गम से ही हमारा नया साल शुरू होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे इवेंट है जो मैंने रिसर्च किया, मुहर्रम के महीने में एक पर्टिकुलर दिन होता है, उस दिन ही क्या हुआ कि बहुत सारे इवेंट हुए, जैसे आदम अलैहि सलाम को उसी दिन अल्लाह ने बनाया, उसी दिन आदम अलैहि सलाम की माफ़ी कबूल हुई, उसी दिन इस्माइल अलैहि सलाम की मतलब वो दुनिया में आए, उसी दिन यूसुफ अलैहि सलाम जो है उनको जेल से रिहा किया गया और वो मिस्र के राजा बने, और उसी दिन मूसा अलैहि सलाम जो है उनके ऊपर तौरात नाजिल हुई, उसी दिन उन्होंने अपने जो बने इसराइल जिनको हम यहूदी कहते हैं उसको फिरौन के चंगुल से छुड़ाया। तो लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ये इतने सारे इवेंट हुए हैं उस पर्टिकुलर मुहर्रम के दिन में, इसलिए खुशी का है, नो डाउट। लेकिन इन सब से ऊपर है कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया गया, जो हुसैन अलैहि सलाम, जो कि गम, और ये इन सब से ऊपर है क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो जिनका ये कहना है कि ये कहाँ लिखा है कि नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो मेरा उनसे पर्सनली क्वेश्चन है कि कहाँ लिखा है कि पहनने चाहिए, अगर है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके, बट वो कोई भी ऐसे अगर आप उसमें आप अगर हदीस खोजने जाए तो ऐसे फिर हदीस तो वही है कि सिया की भी हदीस है, सुन्नी की भी हदीस है, अहले बैत की भी हदीस है, गोरा की भी हदीस है, सबकी हदीस है, देवबंदी की हदीस। हम बस एक ही चीज जानते हैं और वो है मुसलमान। मैं कह रही हूँ नहीं लिखा या लिखा है व्हाटएवर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट। अगर हमारे फैमिली में किसी का फौत हो जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी की फौत हो जाती है, तो हम नहीं पहनते। ये कहीं ऐसा लिखा है कि नहीं पहनना चाहिए? अगर किसी का इंतकाल हो गया तो आप उस दिन नए कपड़े नहीं पहन सकते? कहीं नहीं लिखा है, बट खुद से मन को अच्छा नहीं लगता ना, खुद के जस्ट फॉर रिस्पेक्ट इंसान नहीं करता ना वो चीज की, नहीं ये चीज सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, समवेयर इन योर हार्ट, समवेयर इन योर माइंड आपको अंदर से एक इटर्नल वॉइस आती है कि नो दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग, आई शुड नॉट डू दिस। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट हमें ऐसा लगता है कि नहीं पहनना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं पहनते और जो हमारे यहाँ बहुत पहले से चीज हो रही है हम उसको फॉलो करते हैं। मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, डॉक्टर होके भी आप इतने रात को डिनर क्यों करते था? मतलब वो जो सहरी का टाइम होता है 3:30-4 बजे, कोई डॉक्टर है अगर वो लंग्स का डॉक्टर है, अगर वो सिगरेट पी रहा है तो उसको ये बोल सकता है पेशेंट कि आप मुझे मना कर रहे हो सिगरेट पीने से, आप तो खुद डॉक्टर सिगरेट पी रहे हो, शी इज डॉक्टर। सिगरेट का तो एग्जांपल आप चलेंगे, ये तो बहुत ही सिली कमेंट था। व्हेन आई वाज इन लखनऊ, व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, और जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स थे, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि जब पेशेंट्स आते थे और उनको बोलते थे पेट में दर्द है या गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उनको बोलते थे लास्ट नाइट क्या खाया था या लास्ट वन वीक से तुम्हारा फूड का क्या रूटीन है, पानी पूरी चल रही है, चाट बताशे चल रहे हैं, बाहर का तेल का फ्राई चल रहा है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, यू शुड स्टॉप दिस, एंड वो पेशेंट लिख के मेडिसिन वगैरह लेके अपने चला जाता था। एंड लंच ब्रेक में वार्ड बॉय जो होते थे वो आते थे एक समोसा चाय पकौड़ा वो सब लेके। इन शॉर्ट शी इज डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज ऑल्सो मदर, ठीक है। माहिब का जो रूटीन है जो पेरेंट्स है वो समझ सकते हैं हमारा पेन, कि माहिब 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सोता है। वी प्रिफर कि उसके सोने के बाद फिर हम आराम से बैठ के थोड़ा अपना दिन भर का कन्वर्सेशन करें, फिर डिनर करें, ठीक है, क्योंकि वो जब रहता है तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस पे रहता है। नाउ ही इज इन अ टॉडलर फेस, तो उसको सब कुछ टच करना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। अब या तो फिर मैं अकेले बैठ के खाऊं या तो मोहित अकेले बैठ के खाए और एक जन उसको पकड़े, तो वो अच्छा नहीं लगता। अकेले अकेले खाया नहीं जाता है, तो हम इसलिए प्रिफर करते हैं कि जब तक माहिब जग रहा है हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें, और फिर जब वो सो जाता है तब हम लोग बैठते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम डिनर करने के लिए। अब जैसे कि आज ही हमने ये जो अभी स्टार्ट किया ब्लॉग, आई थिंक ये आप बोलोगे 3:30 बजे सुबह आप लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं, विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि हमारे पास फिर हमें पता है दिन में टाइम नहीं होगा, वो एक बार उठ जाएगा उसके बाद उसके कामों में मैं बिजी हो जाती हूँ,
टाइम मिल नहीं पाएगा, मोहित अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाएंगे, तो फिर ये शूट कब होगा, पोस्ट कब होगा? तो जब आपके पास, मेरे हिसाब से जब आपके पास टाइम है, आपको वो काम अपने हिसाब से करना चाहिए, ना कि जो दुनिया ने एक टाइम और रूटीन सेट कर दिया। इतना समझदार नहीं कि हम उसे डांट के या समझा के बोल दे कि अभी तुम्हें सो, डांटेंगे हम इंशाल्लाह उसको आगे भी नहीं, समझदार होगा तभी पढ़ने डांटेंगे। एक चीज और रह गई सुबुल, ताजिया चाहिए, ये वीडियो देखिए, हम लगा देते हैं। अब रही बात ताजिया का मसला, ताजिया जो है इसका मसला मुख्तलफ भी है, इतना मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। ताजिया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज है। बात सिर्फ इतनी थी ताजिया की, इमाम हुसैन का जो रोजा है उस रोजे की शक्ल की कोई चीज बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोजे की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज नहीं है। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खजरा जहां होगा हम ताजीम के साथ देखते हैं। सी ताजिया बैठाना, जैसे बहुत लोग डायरेक्टली कह देते हैं गलत है, ताजिया बैठाना गलत नहीं है। जैसे वीडियो में आपने देखा लखनऊ में जो बड़ा इमाम बड़ा छोटा इमाम बड़ा है, वहाँ पे भी आई थिंक पीतल और सिल्वर, जो सोने से बनाते हैं, सिल्वर गोल्ड उसकी ताजिया उसको लेके घूमना, एक जगह से ले जाके अगर उसको आप दिखाते, क्योंकि अब क्या आपने बनाया अपने घर में रख लिया, लेकिन लोग कैसे देखेंगे? हर आदमी तो बना के नहीं रख सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल। उसको इसलिए उसको बनाते हैं और लोगों को दिखा के फिर उसको जो भी मैदान है करबला, जिस लोकलिटी में जिसका करबला था वहां ले जाके फातिया करके चले आते हैं घर में, फिर उसको अगले साल फिर से उसी को, यहाँ उसमें फिर ताजिया के साथ साथ जो थोड़ी बेहुर्मती होती है, एंड इट्स रॉन्ग, एंड इट्स नॉट कि मौदाहा में सिर्फ ऐसा, हर जगह होता है, हर जगह होता है, पूरे मौदाहा को टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, ये हर जगह होता है, ये तो इजराइल ईरान हर जगह होता है, हर जगह बनाते हैं, बाकी तो वहां तो पूरा रिक्रिएट मतलब क्रिएट करते हैं कि मैदान करबला। और बिलीव मी गाइस, कहीं ना कहीं ये क्रिएशन रिक्रिएशन एक जरूरी है, क्योंकि सी जब मैं छोटा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था बिलीव मी मुझे ये भी नहीं पता था कि, खाली ये पता था सिर्फ ये बयान सुन के या दोहा नाते सुन के कि हाँ हमारे हुजूर पाक के नवासे थे हसन हुसैन, जिनमें से जो हुसैन अलैहिस्सलाम राइट को शहीद किया गया मैदान करबला में, बट मुझे बहुत बड़ी उम्र तक ये पता था कि उनको नॉन मुस्लिम ने शहीद, मुझे ये भी नहीं पता था कि जो यजीद जो था वो भी मुस्लिम था। तो सोचिए हमारी बदनसीबी कि हम मुसलमान कौम होके अपने ही पैगंबर के नवासे को हम कत्ल हमने शहीद किया, तो ये है इस कौम की। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ वी बैग यू कि आप डायरेक्टली किसी को शिर्क, किसी को काफिर, किसी को डायरेक्टली ये भी कहा गया, जैसे बहुत लोग मुंह उठा के बोल देते काफिर आप, क्योंकि वो कभी मान लिया है विनय कब, इसीलिए किसी को भी मुंह उठा के कुछ ना बोले, शिर्क काफिर कुछ ना बोलो, वो कभी मान लिया है आपको नहीं पता। हम अपने तरफ से सही करने की कोशिश करते हैं, स्टिल अगर हमने हम अब हमने जिन भी मौलाना की जो भी आलिमों की वीडियोस लगाई हैं, और जस्ट उसका जस्ट अपोजिट वीडियो किसी दूसरे मौलाना का आपने देखा हो या आप लगा सकते हैं। तो एज आई सेड, सिया के अकॉर्डिंग सुन्नी गलत है, सुन्नी के अकॉर्डिंग शिया गलत है, देवबंदी के अकॉर्डिंग बरेलवी गलत है, बरेलवी के अकॉर्डिंग देवबंदी गलत है, तो फिर ये तो मतलब कंटिन्यू एंडलेस डिस्कशन नहीं होगा, इसलिए हर क्योंकि 1400 साल से सिया और सुन्नी का डिफरेंस चला आता है, तो आपको क्या लगता है कि हम आज की जनरेशन रिजॉल्व कर लेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगेन बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक ऑफ दिस ब्लॉग, क्योंकि इसके बाद फिर तुम अपना वो पीआर पैकेज वाला बताओगे ना? नहीं, लेट इट बी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा, तो उसके बाद भी अगर हमारी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो तहे दिल से माफी, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। यही करेंगे कि अगले साल अगर हयात रही तो मुहर्रम से पहले हम भी कुरान तर्जुमा से पढ़ें और समझें कि क्या गलत है क्या सही, और इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में सही चीज को लाएं, गलत चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश करें। हमें अरेबिक लैंग्वेज बोलने नहीं आती है, सिर्फ कुरान शरीफ लिखी है, हम कुरान पढ़ लेते हैं, बट उसका ऑब्वियसली तर्जुमा हमें नहीं पता कि उसका मीनिंग क्या है। हमारे कंट्री के 90% या 80% मुस्लिम लोग के ये प्रॉब्लम है कि उन्हें अरबी पढ़ने तो आती है बट बोलने नहीं आती है ना। सो इसीलिए किसी भी मौलाना कोई भी हो, किसी को भी आप डायरेक्टली रिफर करके कुछ भी सुन के आप डायरेक्टली कुछ भी ना बोले, यही रीजन है कि मैंने सुम्बुल से बोला कि ठीक है हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर हयात रही कि कुरान को पढ़ें तर्जुमा के साथ पढ़ें, उसके बाद उसको समझें कि क्या गलत है और क्या सही, और जैसा मैंने कहा इंशाल्लाह सही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएं और गलत चीज़ों को कोशिश करें अपने से दूर करें। जिनको नहीं समझना है इतने के बाद भी वो नहीं समझेंगे, एंड स्टिल दे विल डू द सेम थिंग, फिर वो अगली वीडियो में आएंगे,
अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए इसी ब्लॉग पे कमेंट्स करेंगे कि नहीं हमने ये नहीं कहा था वो कहा था, आपने इस बात का उल्टा मतलब निकाला, तो इसलिए जिनको नहीं समझना है हम उन्हें नहीं समझा सकते। सिर्फ एक सिंपल सा फंडा हमने फॉलो करना स्टार्ट किया है, जस्ट लेट देम इग्नोर इन योर लाइफ। अगर वो करके खुश है उसको खुश रहने दो, आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपना गोल सेट करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, बाकी अल्लाह के हाथ में है। छोटा सा हेल्दी डिस्कशन, वी थॉट कि हमें डिस्कस करना चाहिए, एंड कोई ऑफेंस नहीं है। हमने पहले ही बोला कि अगर हमसे भी हमारे किसी भी वर्ड से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वी आर रियली रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड इंशाल्लाह हम पढ़ के उसको और समझ के आगे अगर हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ कुरान शरीफ में है, गलत है, सही है, उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे, एंड बस दैट्स इट। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मेरा एक दो दिन के बाद आएगा, तो मिलते हैं तब। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल पे अपना प्यार इसी तरीके से बरकरार रखिए। इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी हमारे वीडियोस फॉरवर्ड करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।